मैंने हलवा चने बनाए, मैंने हलवा चने बनाए, बच्चों कैसे तुम्हें बुलाए, बच्चों कैसे तुम्हें बुलाए, और कैसे तुम्हें खिलाए, बेरी खड़ा करो ना रास्ते में, और कैसे भोग लगाए, बेरी खड़ा करो ना रास्ते में। मैं संतोष देवी प्रियंका नॉलेज बैंक में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, आप सबको ढेर सारा प्यार और मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, भाई बहनों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, आनंदमयी कुशल से होंगे। तो आज हम आप सबके लिए बना रहे हैं सूजी का हलवा और काले चने भंडारे वाले। तो क्या बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? सूजी का हलवा और काले चने भंडारे वाले। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों? चलिए बनाते हैं हम। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, रामनवमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए। ये एक कटोरी भीगे हुए चने हैं। ये काले चने हमने रात भिगो कर रख दिए थे, दो तीन बार धुल के साफ पानी में रख दिए थे। अब हमने उबाल लेते हैं, आधा कप पानी डाल देते हैं, थोड़ा नमक अब डाल रहे हैं, थोड़ा नमक भूनने में डालेंगे। चार से पांच सीटी लगाएंगे, ये अच्छे से गल जाएंगे। इतने चने उबलते हैं, इतने सूजी भून लेते हैं। हम एक कप सूजी का हलवा बना रहे हैं और ये एक ही कप घी है, ये देसी घी है। थोड़ा सा घी बचा लेते हैं। एक कप सूजी है, ये एक कप सूजी है। हलवे के लिए आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, लेकिन मोटी वाली का बनाओगे तो और भी बढ़िया टेस्ट आएगा। सूजी को हमें लगातार चलाते रहना है। सूजी को मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए सुनहरा होने तक भूनना है। सूजी को हमें मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए हल्का सुनहरा होने तक भूनना है। कटे बादामों को भी भूनी लेते हैं सूजी में ही। कटे बादाम, थोड़े काजू, चिरौंजी, थोड़ा बारीक कटा गोला, ड्राई फ्रूट्स आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई से भी डाल सकते हैं और मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। थोड़ी किशमिश, नहीं भी डालेंगे तब भी हलवा बहुत अच्छा लगेगा। अब ये हमारी सभी चीज भून गई है इसी में, अलग से भूननी पड़ती है ना। अब पानी चीनी डाल देते हैं। दो तीन चार, एक कप चीनी। इलायचों को कूट लेते हैं। छिलकों को निकाल लेते हैं। पिस्ते डालने भूल गए थे, थोड़े पिस्ते डाल देते हैं। थोड़े से दूध में हमने केसर के धागे भिगो कर रख दिए थे, अब इसे भी डाल देते हैं।
जो थोड़ा सा घी बचाया था उसे भी डाल देते हैं। इस तरह से घी डालने पर हलवे में अच्छी शाइन आएगी। केसर का दूध डालने से हलवे का कलर बहुत सुंदर हो आया है। भंडारे वाला हलवा बनकर तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आया है हलवे का। केसर वाला दूध डालने से हलवा का टेस्ट तो और बढ़ गया है और कलर भी सुंदर हो गया है। चनों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, थोड़ा गरम मसाला स्वाद अनुसार, नमक, थोड़ा नमक हमने पहले डाल दिया था, थोड़ा आप डाल रहे हैं, थोड़ा पानी मिला लेते हैं, दो चम्मच। थोड़ा पानी और मिला लेते हैं। अब कुकर खोलकर चनों को चेक कर लेते हैं। चने अच्छे से उबल गए हैं। अब चने के पानी को निकाल देते हैं। आप इस पानी का प्रयोग आटा मलने में, किसी सब्जी की तरी बनाने में कर सकते हैं। अब गैस पे कढ़ाई रख देते हैं। थोड़ा सरसों का तेल डाल लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, थोड़ा जीरा डाल रहे हैं, तीन कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन प्याज टमाटर नहीं डालेंगे, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब मसालों का पेस्ट डाल देते हैं। इसमें हम कोई खटाई भी नहीं डालेंगे, भंडारे वाले बना रहे हैं ना। अभी मसाले अच्छे से भून गए हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब अभी है चने डाल देते हैं। थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। मसाला अच्छे से चिपक गया है, ये अच्छे से भुन गए हैं। गैस को बंद कर देते हैं। मैंने हलवा चने बनाए, मैंने हलवा चने बनाए, बच्चों कैसे तुम्हें बुलाए, बच्चों कैसे तुम्हें बुलाए, और कैसे तुम्हें खिलाए, बेरी खड़ा करो ना रास्ते में, और कैसे भोग लगाए, बेरी खड़ा करो ना रास्ते में। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, माता रानी का प्रसाद बनकर तैयार है। हलवा और चने बनकर तैयार है। हलवा बहुत अच्छा बना है, हलवे का टेक्सचर बहुत अच्छा आया है और चने भी बहुत अच्छे बने हैं, भंडारे टाइप के। तो देर किस बात की मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, फटाफट किचन में जाइए, बनाइए और खाइए और अपना अनुभव प्रियंका नॉलेज बैंक पर शेयर कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाई बहनों, हमारे चैनल के सदस्य जरूर बनना, हमारे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारा हौसला इसी तरह से बढ़ाते रहना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहो, आनंदित रहो, बाय बाय।